आपका रात्रि क्लास है 17/5/1967। अभी तुम बच्चे थोड़े हैं घर में, डबल बैठ सकते हैं और इससे डबल रह सकते हैं। किसी ने कहा आधा दिन, ये समझते हैं कि दिन प्रतिदिन वृद्धि को जरूर पाएंगे और फिर ये छोटा हाल भी बड़ा हो जाएगा। कि वर्षा मिलता है पढ़ाई से, बाप से, वो जो लौकिक बच्चे हैं वो बाप से कोई पढ़ाई से वर्षा नहीं लेते हैं। यहां तो तुम जानते हो कि तुम्हारा बाप और टीचर एक ही है, तो पढ़ाई भी पढ़ते हो और उसी एक से वर्षा भी लेते हो। तो ऐसे ही बस जन्म लिया और बरसा। वहां कोई बाप थोड़ी पढ़ाई पढ़ाते हैं और यहां तो बच्चों को पढ़ना पड़ता है वर्षे के लिए पढ़ता है, है? किससे पढ़ना पड़ता है? है बाप से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मां भी पढ़ाई पढ़ाती है छोटे बच्चों को। तो जैसे बच्चा बुद्धि है वैसी पढ़ाई पढ़ाती है। और यहां तो बाप पढ़ाता है ना, फिर जितना जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, क्योंकि बाप एडवांस पढ़ाई भी पढ़ाएंगे ना, तो सब तो नहीं पढ़ेंगे। उस दुनिया में भी ऐसे ही होता है, बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और ऊंची नॉलेज थोड़े पढ़ते हैं, और जो जितनी पढ़ते हैं वो ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे तो सच्चे ब्राह्मण है ना। ब्राह्मणों का धंधा ही है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो बच्चे सच्ची गीता सुनाने वाले हैं, और वो झूठे ब्राह्मण तो झूठी गीता सुनाते हैं। झूठी गीता क्यों कहा? क्योंकि वो जो गीता लिखी जाती है मनुष्यों के द्वारा लिखी गई, जैसे धर्म पिताएं बरबली बोलते हैं ऐसे तो बोली नहीं। और फिर बाप को जानते भी नहीं, कौन से बाप ने गीता सुनाई? समझते हैं कृष्ण बच्चे ने गीता सुनाई, मंदिरों में कृष्ण बच्चे की पूजा करते हैं,
अब बच्चा कैसे गीता का ज्ञान सुनाएगा? गीता में तो राजयोग की बात है, राज भरी बातें हैं ना। राज की बातों को सुनने से तुम राजाएं बनते हो जन्म जन्मांतर की। वो गीता सुनाते हैं तो उसमें कोई राजा थोड़े ही बनते हैं। तो एक बाप ने राजयोग से पढ़ाई पढ़ा के जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा दिया। 21 जन्म का तो पूरा वर्षा देते हैं। झूठी गीता सुनने वाले और सुनाने वाले कोई ऐसे थोड़े ही समझते हैं कि हमें राजाई का वर्षा मिलने वाला है। और यहां तो बाप ऊंचे थे ऊंचा है तो ऊंचे थे ऊंची पढ़ाई पढ़ाते, ऊंचे थे ऊंचे पद की प्राप्ति कराते। वो तो एक जन्म की पढ़ाई, उसमें भी एक जन्म के लिए इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे। ये तो है बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई। ये सच्ची गीता से ही मिलती है। और तुम बच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वो ब्राह्मण होते हैं ना पंडे, तीर्थ यात्राएं कराते हैं, रास्ता दिखाते हैं ना। तुम भी रूहानी यात्रा कराने वाले हो। तुम कहां की यात्रा कराते हो? रूहानी यात्रा तो रूह की दुनिया की यात्रा होगी ना। रूहानी दुनिया है ही सोलवर्ड शांति धाम। वो झूठे ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराने वाले हैं। जिस्मानी यात्राएं होती हैं तुम्हारी रूह की यात्रा है। रूह माने मन बुद्धि की यात्रा, इसमें जिस्म की बात नहीं है। फिर ये शूटिंग कहां होती है? है सच्चे ब्राह्मणों की सच्ची गीता की शूटिंग, और झूठे ब्राह्मणों की और झूठे गीता की शूटिंग कहां होती है? है कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में होती है। वो जो झूठे ब्राह्मण हैं ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करने वाले, वो बोलते तो हैं मुख से गीता का भगवान निराकार है, लेकिन प्रैक्टिकल में पढ़ाई किससे पढ़ते हैं? पढ़ाई पढ़ते हैं कृष्ण वाली आत्मा से। तो बच्चा बुद्धि क्यों कहा? कृष्ण वाली आत्मा तो संगम युग में बूढ़ा ब्राह्मण दादा लेखराज है। तो दादा लेखराज तो है, लेकिन वो अपने बाप को ही नहीं जानते। तो छोटे बच्चे होते हैं अपने बाप को थोड़े ही जानते। उनको तो मां बताती है, तब बड़े होते हैं तब जानते हैं। तुम बच्चे तो बाप को भी जानते हो और मां को भी जानते हो। बेहद का बाप है, बेहद की मां है। हद के बाप होते हैं दो चार बच्चों के बाप, वो धर्म पिताए हैं, वो भी हद के बलि क्राइस्ट। 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस है, उसे अपना बाप मानते हैं। तो भी सारी दुनिया तो नहीं कहेंगे ना, हद का बाप हुआ ना।
और ये तो है विश्व के मालिक, तो फर्क तो हो जाता है ना। और वो ब्रह्म तो यात्राएं कराते हैं तो नीचे की दुनिया में ही ले जाते, तुम तो ऊपर ले जाने वाले हो। कहां ऊपर ले जाते हो है? पहले तो रूहानी आत्मा की स्टेज ऊंची में, जिसे कहते हैं भक्ति मार्ग में कि ऊंची स्टेज में शंकर जी पहाड़ों पर रहते थे, अमरनाथ की यात्रा कराते हैं। अब है तो इसी दुनिया की बात, जमीनी बात है ना। वो पंडितों साहब नीचे ले जाने वाले, तुम हो ऊपर रूहानी दुनिया में ले जाने वाले। और रूहानी दुनिया से भी जब नई दुनिया में आएंगे तो वहां भी रूहानी स्टेज में रहेंगे। वो ब्राह्मण तो बहुत धामा खाते हैं, तुम लोग तो किसी के घर में जाके धामा नहीं खावेंगे, क्योंकि वो है पतित ब्राह्मण, तो पतितों का धामा खा सकते हैं। तुम तो पावन बच्चे हो, ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण पुत्र हो गए, तो वो तो पावन नहीं है। और यहां तुम बच्चे तो पावन हो ना, और कोई पावन दुनिया में है ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। कोई पवित्रता का पालन नहीं करते हो, सच्चे सच्चे बच्चे सच्चे बाप के द्वारा तुम पावन बनते हो, क्योंकि जो कहा जाता है पतित पावन, वो पतित पावन तो एक ही होते हैं ना बच्चे है? क्या एक होते हैं कि दो होते हैं? पतित शब्द अलग है, पावन शब्द अलग है, तो दो हुए या एक हुए है? दो हुए। फिर पतित पावन तो एक ही होते, ऐसे क्यों कहा? क्योंकि जो पतित बनता है वो ही पुरुषार्थ करके गीता ज्ञान के आधार पर पावन बनता है, तब कहा जाता है शिव समान स्टेज बनाई। जैसे शिव पावन है, इवर प्योर है आत्मा, ऐसे ही जो पुरुषार्थी है ऊंचते ऊंचे, जिसे मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है, वो पहले तो पतित है बाद में पावन। तो नाम दिया शिव शंकर भोलेनाथ, शिव भी उसी का नाम और शंकर भी उसी का नाम। शिव नाम क्यों दे दिया? क्योंकि पुरुषार्थ करके आत्माओं का जो बाप है शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम है, उस शिव समान स्टेज धारण करते हैं ना। तो पतित पावन एक ही हुआ या दो हुए? एक ही हुआ। तो तुम एक को याद करते हो, एक ही तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है, और एक ही पतित पावन है। पतितों को पावन कैसे बनाते हैं है? कोई फूंक मार देते हैं क्या?
संग के रंग से पतित पावन बनते हैं बच्चे। तो बरोबर तुम सच्चे के द्वारा, सच्चे पतित पावन के द्वारा पावन बनते हो, मनुष्य से देवता बनते हो। ये दुनिया वाले तो गीता सुनाते हैं, हैं सभी झूठे, खुद पतित बनते हैं, धामा खाते रहते हैं, तो अन्य दोस्त तो लगता ही है, और फिर झूठ बोलते हैं गंगा में स्नान करने से पतित पावन बनेंगे। चलो गंगा में स्नान कराए लाग, पतित पावन ही गंगा है। अरे गंगा कैसे पतित पावनी है? एक तो वो पानी की गंगा है, पानी कैसे पतित पावन बना देगा पतितों को? पानी से तो जड़ पानी है ना, तो जड़क तुम्हें देह पावन बन सकती है, पवित्र बनेगी, सो भी अल्पकाल के लिए। देखो ये तो बाप है, आधा कल्प के लिए पतितों को पावन बनाए देते हैं। तो वो देखो गीता सुनाने वाले सब झूठे हैं ना, सब कुछ झूठा। अब ये राज भी बच्चे जानते हैं, बाकी उन दुनिया वालों को जब कोई बैठ करके समझावे तो बड़ी मुश्किल से उनको बुद्धि में बैठता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में गाते तो रहते हैं हे पतित पावन, पतित पावन सीताराम फिर से आओ, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। अरे फिर से आओ माने पहले भी आए थे क्या? हाँ कल पहले भी आए थे, पतितों को पावन बनाया था, नरक को स्वर्ग बनाया था, सत्य बाप ने आकर के झूठे कलयुग को, पापी कलयुग को, पावन दुनिया सत्य को बनाया था। तो बुलाते तो हैं पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं हैं कि जो बुलाते हैं वो ही पतित पावन बनेंगे, जो बुलाते नहीं वो पतित से पावन बनते भी नहीं। फिर बुलाते हैं तो कभी आए होंगे ना, ऐसे थोड़े ही जन्म जन्मांतर बुलाते रहे हैं और आवे नहीं। कह देते हैं त्रेता में पावन भक्त बनाने के लिए आए थे राम। अरे राम सीता त्रेता में क्यों आवेंगे? वहां तो कहते हैं वहां तो सुख शांति की दुनिया होती है, राम राज्य होता है, राम राज्य के लिए कितना फापा मारते रहते हैं। फिर भी भारतवासी जानते तो हैं कि भारत पहले पावन था, देवभूमि थी, अभी भारत पतित बना है, तो जरूर फिर से आना पड़ता है। पतित भारत को, पतित भारतवासियों को फिर से पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़ता है, और एक दो बार आएंगे तो चल जाएगा ना, नहीं फिर से आना पड़ता है, कल्प कल्प आना पड़ता है,
और शास्त्रों में लिखते भी है कल्प कल्प लभी प्रभु अवतार, परंतु फिर त्रेता में डाल के मटिया मेट कर दिए। परंतु वो लोग ऐसे नहीं कहते हैं, क्या कि कलयुग अंत में आता है? नहीं, वो समझते हैं त्रेता में आए थे, फिर समझते हैं युगे युगे हर युग में आते हैं, कलयुग में भी आते हैं, कलंकी अवतार धारण करके आते हैं। अरे गीता में जरूर आया है कि आते हैं, बरोबर फिर से गीता सुनाओ। है ना ये गीत, परंतु फिर से कब सुनाओ और क्या सुनाओ? ये कुछ भी उनको मालूम नहीं है। कहते हैं गीता में लिखा भी है कि आत्मा अति सूक्ष्म है, अनुरूप है, फिर ये उनको मालूम ही नहीं है कि अनुरूप है। कभी कहते हैं अंगुष्ठ में से है, तो तुम जानते हो अच्छी तरह से कि फिर से बाबा को आना पड़ता है, अपना भी परिचय देते हैं, बच्चों का भी परिचय देते हैं कि तुम कौन हो। तो पति तो पावन को आना तो होता है ना, और हमको भी फिर पति तो होना ही होता है और फिर पावन होना ही होता है। ऐसे नहीं एक बार पावन बन गए तो बन गए, फिर पति तो बनेंगे ही नहीं। नहीं, इस दुनिया में आवेंगे तो पति तो होना ही है और पति से पावन होना ही है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि ये दुनिया में शरीर लेना पड़ता है ना, तो जो शरीर बनता है वो पांच तत्वों से बनता है। ये दुनिया है ही पांच तत्वों वाली, ऐसे थोड़े ही कि ये कोई आत्माओं की दुनिया है, रूहों की दुनिया, वहां तो पांच तत्व होते ही नहीं। रूह तो कहां रहती है? पांच तत्वों की दुनिया में नहीं रहती, वो तो तुरिया तत्व में रहती है। सो तुरिया तत्व को इन पांच तत्वों से टैली नहीं कर सकते। अभी तुम बच्चों को तो बुद्धि में है, दुनिया की बुद्धि में इन बातों का कोई पता नहीं है, तो ये सब नया नया लगता है। तुमको भी पहले पहले नया ही हुई ना, ये सारा ज्ञान नया हुआ ना। नई नई बातें सुना करके नई दुनिया की स्थापना करते हैं। न शास्त्रों में बात है, न कोई गुरु की बात है, वो तो न परमात्मा को जानते हैं न परमपिता को जानते हैं। कह देते हैं परमपिता परमात्मा है, उनसे पूछो परमात्मा परमपिता क्यों नहीं कहते, तो कुछ भी बताएंगे नहीं। तुम बच्चे तो जानते हो कि तुम आत्मा हो, आत्माओं का बाप परमपिता,
है? वो परमपिता को किसी से टैल ही नहीं कर सकते। क्यों? वो तो अजन्मा है, गर्भ से जन्म लेता नहीं, और हम आत्माएं तो गर्भ से जन्म लेती हैं, और वो तो अमूर्त है, उसकी मूर्ति नहीं होती। गर्भ से जन्म लेगा तो मूर्ति भी होगी, अमूर्त है। तुम बच्चे तो मूर्ति बन जाते हो, तुम्हारी तो मूर्ति बनती है, देवताओं की मूर्ति बनती है ना, तब तो पूजा करते हैं। परंतु जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं वो जड़ हैं, जानते हैं ये कभी चैतन्य थी, तो वो मुझेंगे जरूर। ये क्या है, ये क्या सुनाते हैं? गीता का भगवान शिव है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, पता नहीं ये क्या बोलती रहती है। अरे ये ब्रह्मा कुमारियां तो शास्त्रों को भी नहीं मानती है। शास्त्रों में तो लिखा है ना कि त्रेता में राम भगवान आए और रावण को मारा, बंदरों की सेना ली। ये कहती है बंदरों की सेना थोड़ा ही ली, ये तो बंदर बुद्धि मनुष्य थे, उनकी सेना ली। रावण से कोई युद्ध थोड़ा ही होता है त्रेता में, त्रेता में तो राम राज्य होता है, वहां तो बहुत सुख ही सुख होता है। ये तो कहती है कोई दशरथ का रावण होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, वो तो शास्त्रों को भी बोल देते हैं फट से। ब्रह्मा कुमार क्या बोल देते हैं? वो तो एकदम झूठे हैं। क्या शास्त्र कैसे झूठे हैं? हैं? अभी शास्त्रों को झूठे तुम कैसे कह सको? हैं? तो पहला शास्त्र को झूठ दिखलाना है। कैसे झूठ दिखलाना है? दिखलाना है कि इसमें तो ढेर सारे श्लोक हैं जिनसे ये साबित होता है कि भगवान तो निराकार है, अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है। ये तो तुमने गीता का भगवान कृष्ण को बनाई दिया। वो तो जन्म लेता है, शरीर भी छोड़ता है, उसका तो गुरु भी हुआ। भगवान का कोई गुरु हो सकता है क्या? तो जब उनकी बुद्धि में बैठेगा कि शास्त्र पढ़ के, गीता पढ़ के, झूठी गीता पढ़ करके हम झूठे हो गए, झूठ की दुनिया आ गई, तो फिर जरूर उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी सब झूठे। गीता के झूठी गीता के झूठे बच्चे हुए ना, कौन कौन से? जो भी शास्त्र बने वो सब झूठे, कुरान बनी वो भी झूठी, बाइबल बनी वो भी झूठी, धम्मपद बना वो भी झूठा, गुरुग्रंथ साहब वो भी झूठा। तो गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, गीता माता। क्यों कहा सर्वशास्त्र शिरोमणि? सर्वशास्त्रों की सिर पर रखने योग्य है, सबसे ऊंची है। माता माना पिता भी जरूर है उनका, ऐसे नहीं कोई गीता माता विधवा है, नहीं। पिता कौन है? गीता माता है तो गीता पति भगवान भी है, उनका गायन करने वाला है। कौन? भगवान ही गीता का गायन करते हैं। अभी वो माता पिता तो झूठे कर दिए, गीता माता को झूठा कर दिया, पिता को भी झूठा कर दिया। कहते हैं सर्वव्यापी है। अरे पिता झूठा हो गया तो माता भी झूठी हो गई, तो उनके बच्चे भी झूठे हो गए।
फिर सभी शास्त्र भारत के झूठे ही झूठे हो गए। जो आया गीता की टीका बनाई, व्याख्या की और झूठी झूठी बातें लिख दी कि कोई नहीं समझते हैं कि गीता का कनेक्शन भागवत से है। क्या गीता ज्ञान सुनते हैं तो फिर जो गीता ज्ञान सुनाने वाला है उस ज्ञान के सुनाने वाले के पीछे पीछे भागने लग पड़ते हैं। तो भागवत कथा बनाई दी क्या कि 16,000 गोपियां भगवान के पीछे पागल होके दौड़ने लगी। कैसी कैसी बातें दिखाई है शास्त्रों में, दिखाते इतनी पागल हो जाती थी जो मुरली ज्ञान की सुनती थी तो एक आंख में अगर काजल लगाया है तो दूसरी आंख में काजल लगाना भूल जाती थी, बाक कर जाती। अरे ये महाभारत का और ये रामायण का भी भागवत से कनेक्शन है, भागवत का गीता से कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? जब भागती है तो उनके घर वाले बहुत नाराज हो जाते हैं, पूरे समाज के लोग बहुत नाराज, सरकार के लोग नाराज, तो फिर क्या होता है? युद्ध हो जाता है। तो भगवान के पीछे भागते हैं, उनका नाम दे दिया है पांडव, पंडा के बच्चे, उन्होंने पांडु नाम दे दिया है, वास्तव में पंडा, बिगाड़ करके पांडु नाम दे दिया कि पांडव पंडा के बच्चे थे, जो पंडा मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला है, मुक्ति धाम और स्वर्ग धाम में ले जाने वाला है। तो जिनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि साक्षात भगवान ज्ञान सुनाए रहे हैं, वो तो टस से मस होने वाले नहीं। क्या बाकी बाकी जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता है, समझते हमारा घर उजाड़ दिया, तो वो लड़ाई लड़ते हैं, बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है, महाभारी महाभारत युद्ध गाया हुआ है। तो देखो गीता का कनेक्शन भागवत से, भागवत का महाभारत से, और रामायण का भी उन शास्त्रों से कनेक्शन है। वासिष्ठ ग्रंथ सुनाते हैं, वशिष्ठ का भी उनसे कनेक्शन है। वशिष्ठ जी राम को कहते हैं, हे राम तुम ऐसे समझो ये दुनिया बनी ही नहीं। अरे क्यों राम ऐसे क्यों समझे है? क्यों समझे? क्योंकि राम की बुद्धि में कलयुग के अंत में ये बैठ जाता है कि ये सारी दुनिया झूठी है। क्या झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चमेना, क्या सारी दुनिया झूठी है? क्या ब्राह्मण भी झूठे हैं? ब्राह्मण नहीं है इस दुनिया में, ब्राह्मण तो है लेकिन वो ब्राह्मण नौकुरियों के ब्राह्मण हैं। उनमें जो सच्चे अब्बल नंबर कुरी के ब्राह्मण सूर्यवंशी हैं वो तो छुपे रुस्तम बाद में खुलेंगे। क्या बाकी सारी दुनिया झूठी है? आठ कुड़ियों के सारे झूठे हो, झूठे हो गए। तो झूठों से धोखेबाजों से बुद्धि हट जाती है ना। तो वशिष्ठ जी राम जी को समझाते हैं, अरे राम जी तुम दुखी मत हो, तुम ऐसे समझो ये दुनिया बनी।
तो देखो, दुनिया में जो कुछ भी है सब चीज का कनेक्शन गीता से है। तो भारत के जो भी शास्त्र हैं, गीता के पीछे जिन्होंने भी जन्म लिया है, हैं, वो सभी झूठे हो गए। जब गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है तो इसकी शूटिंग कब हुई? कब हुई? यज्ञ में शूटिंग हुई तो कब हुई? ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी रिहर्सल कब हुई? क्या कहेंगे? हैं? पहले ब्रह्मा के मुख से वेद निकले क्या? है? वेद निकले पहले? वाह भाई, वेद तो बाद में निकले। वेद तो चार हैं और गीता तो एक ही है। धर्म ग्रंथ एक होना चाहिए धर्म पिता का, कि अनेक होना चाहिए? है? जो भी धर्म पिताएं इस दुनिया में आए और उनके धर्म जो फैले हुए हैं, अभी भी देख लो, उन धर्म के फॉलोअर्स उन्नति को पाए हुए हैं भारतवासियों के मुकाबले या गिरति कला में उन्नति को पाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो साहब एक धर्म पिता को मानते हैं, एक धर्म ग्रंथ को मानते हैं, इसलिए उन्नति को पाए हुए। और भारतवासी तो भूल ही गए कि हमारा सर्वशास्त्र शिरोमणि एक गीता है और गीता ही एक भगवान ने सुनाई है। और गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। तो फिर देखो, सब झूठा बन गया, सारी दुनिया झूठी बन गई। पापी कलयुग में सब पापी बन गए। इसको कहते ही है भारत को झूठखंड। कलह कलेश का युग, इस कलह कलेश के युग में सब झूठ ही झूठ है। बाबा बताते हैं ना, झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं है। झूठा आदमी झूठा क्यों बोलता है? हैं? अपनी एक बात को सच्चा करने के लिए झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोलता रहता है, धोखा देता रहता है। तो फिर एक सच्चा बाप है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। जिस एक सच्चे बाप की घर घर में भारत में सत्यनारायण की कथा होती है, सत्य हरिश्चंद्र का नाटक दिखाते हैं ना, कहते हैं सतयुग के आदि में सत्य हरिश्चंद्र का राज्य था। वास्तव में जो सत्यनारायण है वो भी पहले नर था ना, नरको नारायण बनाया ना भगवान ने, तो उसी एक नर को ही नारायण क्यों बनाया? है? और नारायण बनाने थे ना, तो फिर वो नंबरवार है। नंबरवार है माने नंबरवार झूठे हैं, नंबरवार सच्चे। तो बाप आकर जो 100% सच्चा है, उसको आकर के सत्यनारायण जिनकी कथा चलती है घर घर में, उनको बनाते हैं और उनके आधार पर ये दुनिया भी सच्चे खंड बनती है। तो बता ही दिया, इस दुनिया की हर चीज पहले चार अवस्थाओं से तो जरूर गुजरेगी। पहले सतो प्रधान,
सत्व सामान्य फिर रजो और तम, इसलिए चार युग बनाए दिए। सत्व प्रधान को सतयुग, सत्व प्रधान को त्रेता, फिर दूसरा गुण प्रकृति का जो दैहिक गुण है वो रजो गुण आ जाता है, तो द्वैतवादी युग शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं द्वापर युग। फिर द्वापर युग भी कलाहीन होता है तो कलाहीन कलयुग आ जाता है। तो बाप आकर सचखंड बनाते हैं एक बाप, कैसे एक बाप, एक बिंदी बाप है, बिंदी बाप नहीं बनाते, उनकी बिंदी आत्मा का नाम शिव नहीं है, वो सचखंड नहीं बनाते है, वो सचखंड नहीं बनाते, वो इस दुनिया में आकर के इस मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा को सच बनाते, क्या बनाते, सत्य नारायण बनाते, फिर वहां सच्ची सच हो जाता है नई दुनिया में, वहां नई दुनिया में जाओ झूठ का कोई नाम निशान नहीं मिलेगा। क्या यहां तो देखो सोने में भी कितनी मिलावट करते रहते हैं, वहां तो सच्चा सोना होगा पक्का, कभी भी उसमें अलाय नहीं डालेंगे कि मिक्सर टी कर देवे, चांदी मिलाई देवे, तांबा मिलाई देवे, नहीं, सिक्का भी बनेगा तो सच्चा पक्का सोने का सिक्का बनेगा। अभी भी इस झूठ खंड में हिस्ट्री में देख लो, पहले सोने के सिक्के बनते थे द्वापर युग में तो बहुत बनते थे, फिर बाद में क्या हुआ, फिर चांदी के बनाना शुरू कर दिए, फिर बाद में उसमें भी मिक्सरटी कर दी, अभी तो लोहे में भी अंतर कर दिया, सच्चा मेटल भी नहीं। तो नई सतयुगी दुनिया में जो एक बाप आकर के सचखंड बनाते हैं, सत्य नर के द्वारा सत्य नारायण बनाते हैं, तो वहां नई दुनिया में सब सच्ची सच। अरे बच्चे तुम सचखंड के मालिक बनते हो, नई दुनिया का मालिक बनते हो, तो नई दुनिया रचता कौन है, रचने वाला निराकार होगा या साकार होगा, दुनिया साकार होगी या निराकार होगी है, दुनिया भी साकार, तो साकार दुनिया में बनाने वाला भी साकार चाहिए, जैसे कुमार साकार होता है शरीरधारी, तो घड़ा कैसा बनाता है, मिट्टी का साकार बड़ा घड़ा बनाता है ना, तो ऐसे ही है निराकार आकर निराकार आत्माओं को सच्चा बनाते हैं, जो आत्मा कलयुग के अंत में कलाहीन हो गई, उन कलाहीन आत्माओं को सोना कला संपूर्ण बनाते हैं। तो देखो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं, तुम ऊंचते ऊंच सुप्रीम बाप से वर्षा ले रहे हो, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है ना, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हो है? एक से वर्षा ले रहे हो या दो को मिलाकर वर्षा ले रहे हो है? एक से परमपिता परमात्मा क्यों कहते हैं फिर,
परमपिता अलग, परमात्मा अलग, अलग अलग क्यों कहते हैं? वर्षा एक से लेते हो या दो से लेते हो? एक से लेते हो, फिर परमपिता परमात्मा एक है या दो है? अरे उंगली से बता दो, परमपिता परमात्मा एक है या दो है? कभी कहते एक है, कभी कहते दो है, मुझ गए। अरे परमपिता जिसे कहा जाता है वो मनुष्यों का पिता भी परमपिता है। मनुष्यों में परमपिता है, बाकी आत्माओं में परमपिता नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है उसका भी कोई पिता है, उसकी आत्मा का नाम शिव है, तो वास्तव में वो है परमपिता। और परमात्मा जिसे कहा जाता है वो आत्माओं में परम पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी कौन? जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप आदम कहा जाता है, आदम अर्जुन, जिसके तन में परमपिता शिव प्रवेश करते हैं और उस शरीर रूपी रथ की इंद्रियों को अपने कंट्रोल में चलाते हैं। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो मनुष्य सृष्टि की हीरो पाठधारी आत्मा परमपिता कही जाती है। गीता में भी नाम है परमात्मा इति उदाहरण, उसे परमात्मा कहा जाता है। बिहद के बाप से वर्षा ले रहे हो, हद के बाप से नहीं ले रहे हो, क्योंकि हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, एक जन्म का वर्षा मिलता है, अल्पकाल का अल्प वर्षा मिलता है, और बिहद के बाप से दीर्घ काल का। यहां तक के कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं, तो उन्होंने वो 82-83 जन्म का सुख कौन से बाप से लिया? जरूर कहेंगे परमपिता से लिया। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्या कि हमको मुक्ति जीवन मुक्ति का ऊंचते ऊंच वर्षा देने वाला बेहद का बाप है, और वो बाप प्रैक्टिकल में साकार में साक्षात हमको मिला है। इसलिए हम गीत गाते हैं, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, और खुशी भी स्थाई हमको होती है, बाकी उन भक्तों को स्थाई खुशी कैसे होगी? उन्हें तो साक्षात्कार कर लिया, समझते हमने भगवान पा लिया, थोड़े समय के लिए खुशी हो जाती है, फिर जिंदगी में दुख। तो हमारी ही खुशी स्थाई है और उनकी खुशी स्थाई नहीं हो सकती। हमको स्थाई खुशी इसलिए है कि बरोबर हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। देखो ये बच्चे हैं ना सभी, और ये इतने बच्चे हैं ब्राह्मण, तो बाप से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। क्या 21वें जन्म में आबादी कितनी होगी? है 8-10 करोड़, तो 8-10 करोड़ 21 जन्म का वर्षा लेते हैं क्या? है फिर क्यों कहा बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है? ऐसे थोड़े ही कि सत्यु के आदि में पहले ही जन्म से 8-10 करोड़ आकर के परमधाम से जन्म ले लेते हैं, नहीं, धीरे धीरे आते रहते हैं। जिन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ के अनुसार उनको प्राप्ति होती है। फिर भी देखो वो 21 जन्म में आकर के जन्म लेने वालों की कितनी बड़ी कमाई है,
और जो यहां यहां इस दुनिया की बाकी कमाई है, कितनी भी बहुत कमाई कर लें, टाटा बिरला डालमिया वो सब मिट्टी में मिल जाने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे कल्पूर में भगवान ने आके महाभारत युद्ध कराया था, महाभारी महाभारत युद्ध हुआ था, खून की नदियां बही थी, तो सब मिट्टी में मिल जाने वाला है, खास भारतवासियों का, क्योंकि इस युद्ध का नाम महाभारत युद्ध है, भारत से कनेक्टेड पड़ोसी देशों का युद्ध है। बाकी दुनिया में जो दूर दूर के देश विदेश हैं, उनके लिए तो चतुर्थ विश्व युद्ध है, वो भी महाभारत में गाया हुआ है कि यादवों के पेट में से मूसल निकले, वो बुद्ध रूपी पेट की बात है, ये कवियों की भाषा है, कवियों की भाषा अलंकारिक प्रतीकात्मक होती है, तो उन्होंने अपनी भाषा में बता दिया कि वो यादव बड़े बड़े धनाढ्य होते थे। क्या यादव कुल आज भी कलयुग में है, बड़े बड़े धनाढ्य हैं, यदुवंशी कहे जाते हैं, विष्णुवंशी माने बरसात करने वाले। उन्होंने समझ लिया वो कोई होगा देवता तो वो पानी की बरसात करता होगा, नहीं, ये हैं विदेशी जो बाप को जल्दी पहचान लेते हैं बुद्धिमान होने के कारण, और जोर से बरसात करते हैं ज्ञान की। उस ब्याह बरसात के आधार पर सारी दुनिया में आवाज फैल जाती है कि भगवान आया हुआ है। तो देखो ये जो बड़े बड़े साहूकार हैं, जो शास्त्रों में गाए हुए हैं धृतराष्ट्र, जिन्होंने राष्ट्र की सारी धन संपत्ति धर ली, पांडवों को एकदम गरीब बनाई दिया, ऐसे गरीबों की दुनिया में भगवान बाप आते हैं तो बताते हैं कि इस दुनिया वालों की तो जो भी कमाई है कितनी भी हो वो सब मिट्टी में मिल जाने वाली है। बाकी अब समझते तो हो कि कितना दिन होगी वो कमाई है, कितना दिन होगी बताया ना, जैसे और धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं तो कितने वर्ष में अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं, 100 साल में। ऐसे ही ये ऊंचे ऊंचे भगवान है वो क्या 100 वर्ष से ज्यादा समय लगाएगा, नहीं, वो भी 100 साल के अंदर नई दुनिया की स्थापना करके चले जाते हैं, देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना, सब धर्म की स्थापना और बाकी सब धर्मों का विनाश। तो विनाश कैसे होगा, ये एटमिक एनर्जी किस लिए बनी हुई है, है? 100 साल का टाइम बताया तो 1936 से ये ब्राह्मणों का यज्ञ शुरू हुआ तो 2036 तक ही तो चलेगा, 37 तक चलेगा, तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी। तो कोई की भी कमाई काम में नहीं आने वाली है, नहीं, न पुत्र खाएंगे न पोत्रे खाएंगे न परपोत्रे फलाने फलाने, कोई भी नहीं खाएंगे। 1765 की वाणी का तीसरा पेज तीसरी लाइन, दूसरा पेज तीसरी लाइन, जिनके पास कुछ जास्ती होगा
तो गवर्नमेंट लूट लेगी है, या तो गवर्नमेंट लोन में ले लेगी, फिर कुछ भी वापस नहीं करना पड़ेगा। महाभारत युद्ध होगा ना, खून की नदियां बहेंगी ना, ढेर के ढेर मरेंगे, कौन वापस लेगा? गवर्नमेंट्स बड़ी चालाकी करेगी, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट होगी ना तो क्या करेगी, बॉन्ड्स निकालेगी, ये लो इतना लोन दो सरकार को तो तुमको ये बॉन्ड बना के देते हैं, इस बॉन्ड के आधार पर तुम अपना पैसा वापस ले लेना। वो भी तो लोन लेते हैं ना, टेम्पटेशन देगी बॉन्ड्स का, अरे बॉन्ड्स का ब्याज बड़ा अच्छा बना के देगी, कितना लालच देंगे, और ऊपर से इनाम भी देंगे बॉन्ड्स बनाने वालों को, बहुत बहुत इनाम देगी। बॉन्ड्स में भी इनाम मिलते हैं ना, तो अभी गाया हुआ है क्या, क्या बोलते हैं बाबा, किनकी दबी रही दुबुल में, किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा, किनकी आग जलाए, क्या है, कोई ने कितना भी धन कमाया हुआ हो, ये चार अंजाम होने वाले हैं अभी जल्दी, क्या क्या, कोई तो जमीन में गाड़ करके रखेंगे, है भूकंप आएगा कहां की कहां चली जाएगी, दबी की दबी रह जाएगी, धूल में मिल जाएगी, और किनकी तो राजा खा जाएगा ये बॉन्स बॉन्स निकाल के लोन लेकर के, बैंकों में पैसा ही जब्त कर लेंगे ढेर सारा, इनकम टैक्स ढेर सारा लूट ले जाएगा। नहीं तो शिव बाबा ने आकर के राजयोग के द्वारा जो राजाई स्थापन की थी, जो राजाई अभी कलयुग अंत में अभी 200-300 साल पहले तक खूब चलती रही, राजाओं का ही राज्य चलता रहा, वो राजा कभी भी कोई प्रजा से इतना इनकम टैक्स थोड़े ही लेते थे, राजा प्रजा की कमाई थोड़े ही खाते हैं, परंतु ये तो जमाना ही ऐसा है बच्ची, क्या यथा राजा तथा प्रजा, जो गवर्नमेंट है वो ही भ्रष्टाचारी, तो प्रजा भी सारी भ्रष्टाचारी बनेगी, सारा जमाना बर्बाद। तो ये बच्चियां समझती हैं कि बाबा आया हुआ है, बेहद का बाबा आया हुआ है, हमारा सच्चा सच्चा रूहानी बाबा आए हुए हैं, हम अपने बच्चों को रूहों को ये दुख के धाम से सुख के धाम में ले चलने के लिए आए, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए ना, है क्यों कहते हैं बार बार खुशी होनी चाहिए खुशी होनी चाहिए, है क्या बच्चे दुखी रहते हैं, अरे भगवान के बच्चे दुखी रहते हैं क्या, है क्योंकि माया है ना, ये माया बहुत हाखन है, कभी कोई व्यक्ति के रूप में आवेगी, पुरुष के रूप में आवेगी, स्त्री के रूप में आवेगी, या बच्चों के रूप में आवेगी, कन्या का रूप धारण करके आवेगी,
पदार्थों के रूप में आवेगी और बच्चों की हालत खराब कर देती, बच्चों का उसमें मोह लग जाता। अरे बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? कोई मकान पुराना है और बाप आकर नया बनाते हैं, तो ये सृष्टि रूपी भी मकान है ना, बहुत पुराना तमो प्रधान हो गया और बाप आकर ऐसे नया सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। तो देखो दुनिया में भी, लौकिक दुनिया में लौकिक बाप के बच्चे जब देखते हैं हमारा लौकिक बाप हद का बाप हद का मकान बनाए रहा है तो कितनी खुशी होती है, है? होती है ना, बड़ी खुशी रहती है, हम नए मकान में जावेंगे, बड़ी सेरेमनी मनाते हैं, मनाते हैं ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी सेरेमनी मनानी चाहिए। ओम शांति।